बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं नोरथराम लोरोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। 15 से 14 जिलों के अंदर चुनावी पर्चा नामांकन पंचायत समिति अध्यक्ष के लिए नहीं बढ़ने के चलते, और उसके बाद आपको बता दें कि नामांकन उठाने के दिन भी काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे उठाने के बाद समाजवादी पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई है। और अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि इस किरकिरी के बाद में बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला लेने के बाद हम देखने की कोशिश करें तो साफ नजर आया कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि जमकर अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर निशाने भी साधे। और आपको बता दें कि इसके बाद 11 जिला अध्यक्षों को समाजवादी पार्टी की तरफ से हटा दिया गया। इसके अलावा भी कई सारे पूर्व विधायकों को, और इसके अलावा पूर्व प्रदेश जो जिला के पंचायत समिति सदस्य वगैरह वगैरह रहे थे उनको भी निकाला है। और इसके बाद जब नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी कई जगहों के प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे वापस उठा लिए तो अखिलेश यादव का अपने नेताओं से भरोसा ही उठ गया। अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिन जिलों के अंदर प्रचार रह गए हैं, जिन जिलों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर आपको बता दें कि खुद अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली है। अखिलेश यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों से मुलाकात बातचीत में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बताया बहुजन समाज पार्टी ने पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी स्वतंत्र है, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। जिसके चलते आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों से जिला पंचायत के जो सदस्य जीत कर आए उनसे अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अपने जिला के पदाधिकारी और पदाधिकारी प्रभारियों से आहत होकर अखिलेश यादव ने आपको बता दें उन्हें पीछे छोड़ दिया और डायरेक्ट तौर से खुद इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए नजर आ रहे हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ। अब तक आप चले थे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।